सह सहनो सह नो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा ॐ शान्ति शान्ति शांति वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है निरंतरता के साथ हम वेदों का स्वाध्याय कर रहे हैं ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के बत्तीसवें सूक्त का हमने स्वाध्याय कर लिया था आज हम तैतीसवें सूक्त का स्वाध्याय करेंगे और इन वेद मंत्रों से हमारे जीवन में जो दिव्य परिवर्तन आता है वह अत्यंत ही हमारे कल्याण के लिए आवश्यक है क्योंकि यही हमारी ऋषि परंपरा रही है इसी परंपरा को आत्मसात करके हमारे महापुरुषों ने अपने लिए भी और संसार के लिए भी बड़ा उत्तम कर्म किया है बिना कर्म के हमें क्षण रह भी नहीं सकते तो कर्म को श्रेष्ठ करें कर्म के निर्वहन में कभी भी आलस्य प्रमाद ना करें सशक्त शरीर हो दीप्त मस्तिष्क व प्रशस्त मन हो शरीर से भी हम बलशाली हो फौलादी हो वज्र की भांति हमारा शरीर हो और मन भी हमारा बहुत ही प्रशस्त होना चाहिए आसक्त मन नहीं विषयों की आसक्ति नहीं अपितु परम पिता परमेश्वर के बताए गए मार्ग पर चल करके हम प्रशस्त कर्म करने वाले बने क्योंकि इससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा आज हम जैसा कि हमने बताया कि तृतीय जो तेतीसवा त्रेस त्रिंशत जो सूक्त है तैतीसवा सूक्त है उसका हम स्वाध्याय करेंगे और पहले ही मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है ओम रिभुभ्यो दूता ओपस्थिरे श्वेत ये वात जोता परिद्याम सद्यो अभूबु कहा कि वे प्रभु कहते हैं कि मैं ऋभुआ जान दीप्त मस्तिष्क वाले रिभु के लिए विशाल हृदय विभुआ के लिए तथा शक्ति संपन्न शरीर वाले वाज के लिए दूतम संदेशवाहक दूत की तरह वाचम इस जान वाणी को इससे प्रेरित करता हूँ उपस्थरे आच्छादन के लिए अर्थात सब वाचम इस जानवाणी को इससे प्रेरित करता हुआ आच्छादन के लिए अर्थात अशुभ जो कर्म है जो अकल्याणकारी कर्म है उनसे बचाने के लिए श्वेतरी धेनुम स्वेतराम अत्यंत शुद्ध जान दुग्ध को देने वाली इस वेदवाणी रूप गौ को ईडे प्रस्तुत करता हूं कहने का आशा क्या है कि वेदवाणी ऐसी गाय है जिसका जो जान रूपी जो दुग्ध है इस जान का पान जो करता है वो कभी भी भटकता नहीं है जान रूपी यह जो जान दुग्ध है उसको देने वाली जो वेद रूपी गाय है इसको मैं देता हूँ ताकि मैं इस संसार के जो भक्त हैं जो साधक हैं जो जान के ही आधार पर जीवन और जगत को दिव्यता से भरते हैं वो भटके नहीं इन सब दुर्गुणों से दुर्व्यसनों से बचने का उपाय क्या है जान। अंधकार से बचने का उपाय है? जान। इसलिए उपायही सर्वमते नजती भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते संसार रूपी इस सागर को पार करने के लिए अपार संसार सागर से उबरने के लिए एक ही उपाय है जान रूपी नौका इसलिए भी ही कि ये जो जान है ये को पार करने वाली है वायु से प्रेरणा को प्राप्त हुए अपसह कर्मशील बन के वासनाओं को तराने वाली गतियों के द्वारा सद्या शीघ्र ही द्याम ज्ञान ज्योति को परिबभुवु व्याप्त करते हैं जीवन में जो भी आलस्य से आक्रांत हो जाता है वे कभी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता क्योंकि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। बाहर के जो शत्रु हैं वो कभी दया कर देते हैं कभी उनका निशाना चूक जाता है तो रक्षा तो हो ही जाती है लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो सबसे बड़े शत्रु हैं वो क्या है आलस्य ये हमको धराशायी कर देते हमको जीते जी और दिव्य जीवन जीने की जो हम संकल्पना करते हैं उधर से हमको हटाते हैं खींचते हैं अरे कौन करेगा स्वाध्याय कौन सुबह सुबह उठे कौन प्राणायाम करे कौन यज्ञ करे सोने दो जरा सा अभी आधे घंटे तो और सो लेते हैं दस मिनट तो अभी पर्याप्त है अभी और जरा सा सो जाने दो और यह समय ऐसा ही व्यतीत हो जाता है समय व्यतीत हो जाता है काल पता नहीं कब आ जाए हमारा और अपने गाल में संभाले, काल के गाल में हम समा जाते हैं तो हम आलस्य से दूर हो क्योंकि प्रमादो मृत्यु कहा प्रमाद क्या है मृत्यु के समान है और अप्रमाद वो अमृत के समान है इसलिए क्रियाशीलता में ही हमें जान की प्राप्ति हो पाती है जो निष्क्रिय हैं जो आलसी बने हुए हैं वे कभी भी जान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं इसलिए हमारे लिए वेद वाणी रूप गौ को प्रस्तुत करते हैं प्रभो इसे हम प्राप्त तभी करते हैं जबकि हमारे जीवन में आलस्य नहीं होता है आलस में जो व्यक्ति रहेगा वो कभी भी जान से युक्त नहीं होगा और आलस्य से देश दुनिया बर्बाद हो जाती है घर टूट जाते हैं सब कुछ होते हुए भी आलस्य व्यक्ति को छोड़ता नहीं और आलस्य जब नहीं छोड़ेगा तो फिर उसी में व्यक्ति पतित हो जाता है इसलिए अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए हमको पुरुषार्थ करना है आलस्य नहीं करना एक क्षण का भी आलस्य हमारे लिए बड़ा कष्टकारी हो जाता है इसलिए लोग बोलते कोई नहीं है। बहुत कर लिया अब थोड़ा आराम करने दो बहुत सुंदर लिखा है पथिक जी ने जो जिंदगी पुरुषार्थ के साचे में ढली है तूफान तो का मुंह मोड़ के रख दे वबली है संसार में जीना तो बड़ी शान से जीना इज्जत से बड़े प्यार व सम्मान से जीना लेकिन किसी भी हाल में मंजूर न करना नजरे झुका के शर्म से अपमान से जीना अपमान जनक जिंदगी से मौत भली है तूफान का मुँह मोड़ के रख देव बली है जो जिंदगी पुरुषार्थ के साचे में ढली है तूफान का मुँह मोड़ के रख देव बली है आराम तो हराम है आराम न करना हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं, जो स्वयं आहार पुरुषार्थ करते हैं उत्साह में रहते हैं और पूरे देश और दुनिया को उत्साह देते हैं और वो उद्घोष भी करते हैं कि आराम हराम है कार्यांतर ही विश्राम है एक कार्य से थक जाए दूसरे कार्य में लग जाओ लेकिन आलस्य को कभी भी शरण मत दो उसको उसका स्वागत मत करो क्योंकि स्वागत जैसे आपने किया तो आपका भी भविष्य वो सुला देता है इसलिए कहा आराम तो हराम है आराम न करना इंसान के चोले को न करना करना सदा व काम जिससे रहे सर ऊंचा झुकता हो जिसमें सर कभी वह काम न करना मेहनत की इस जहान में फूली व फली है मेहनत ही इस जहान में फूली व फली है तूफान का मुंह मोड़ के रख दे व बली है जो जिंदगी पुरुषार्थ के साचे में ढली है तूफान का मुंह मोड़ के रख दे व बली है कुंभकर्ण रावण बड़ा अभिमान था जिनको और कंस दुर्योधन भले अच्छे लगे किनको तब राम भरत कृष्ण व अर्जुन भी हुए थे क्या बात है सत्कार व पूजा मिली इनको जग में चरित्रवान की महिमा ही चली है जग में चरित्रवान की महिमा ही चली है तूफान का मुँह मोड़ के रख देव बली है जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है तूफान का मुंह मोड़ के रख दे व बली है हर वक्त जो परमात्मा को याद करेगा हर वक्त जो परमात्मा को याद करेगा दुनिया में किसी खौफ से हर गिज न डरेगा दुनिया के किसी खौफ से हर गिज न डरेगा घबरा के संकटों में कभी डोल न जाना घबरा के कभी संकटों में डोल न जाना संकट हरण प्रभु स्वयं संकट हरेंगे सब संकटों की पथिक कहाँ दाल गली है कब संकटों की पथिक यहाँ दाल गली है तूफान का वो मोड़ के रख देव बली है जो जिंदगी पुरुषार्थ के साचे में ढली है तूफान का मुँह मोड़ के रख देव बली है तो संसार में जो जीवन है उस जीवन में हमको पुरुषार्थ करना चाहिए और पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि भी इसी से होती है धर्म अर्थ काम और मोक्ष कैसे मिलेंगे केवल उपदेश करने से नहीं अपितु अपने जीवन में इसको उतारने से सारा मिलता है तो वेद रूपी यह जान हमको मिल रहा है हम सदा इसके लिए अपने को लगा करके रखें और कभी भी इससे पतित ना हो और बहुत सुंदर अगला मंत्र है मैं इसको लिखता हूं फिर चर्चा करूंगा दूसरा मंत्र सशक्त शरीर दीप्त मस्तिष्क व प्रशस्त मन ओम यदार केदारमक्रं द्विभवः पितृभ्यां परिविष्टि पितृभ्यां परिविष्टि परिवेश्टि, वेशना, दंसना दन सनाभी आदि देवा नामुप

धीरासः पुष्टिम अवहन मनायै पुष्टिम अवहन मनाई ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के तैतीसवें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है यदार्मक्रन् ऋभवः पितृभ्यां परिवीष्टिवेशणादंशनाभिः आदिदेवानामुपासख्यमायन्धीरा सह पुष्टिं महमन्मनायै ॐ यदार्मक्रन्नृभवः पितृभ्यां परिवीष्टिवेषणादंशनाभिः आदिदेवानीरा सह पुष्टि बहुत सुंदर भाव है इस मंत्र का ध्यान देंगे यदा जब रिभव रिभु विभवा और वाज अर्थात जान दीप्त विशाल हृदय सशक्त पुरुष पितृभ्याम द्यावा पृथ्वी के लिए मस्तिष्क व शरीर के लिए जो पितृभ्याम मतलब द्यावा पृथ्वी अर्थात यह जो देवलोक वो हमारा क्या है मस्तिष्क है और पृथ्वी क्या ये शरीर है तो ये मस्तिष्क शरीर के लिए परिविष्टि परिचर्या के द्वारा अर्थात बड़ों की सेवा के द्वारा वेषणा वासनाओं का आक्रमण वासनाओं पर हम आक्रमण कर पाते हैं अर्थात वासनाओं पर आक्रमण के द्वारा तथा दंसना भी ही। जान आदि उत्तम कर्मों में प्रवृत्त रहने के द्वारा आरंभ अकरण पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं अर्थात जब बड़ों के आदर आदि के द्वारा शरीर व मस्तिष्क दोनों को ही सशक्त व दीप्त बनाते हैं तो आत्म इत शीघ्र ही यह देवों के सक्षम मित्रत्व को उप आयन समीपता से प्राप्त होते हैं देव बनने के लिए आवश्यक है कि हम शारीरिक और बौद्धिक उन्नति के लिए पुरुषार्थ करें और उन्नतियों के कारण अपने उद्देश्य को प्राप्त करें ब्रह्म व क्षत्र का विकास करने वाले बने धीराशा धीर पुरुष मनायी प्रशस्त मनस्कता के लिए पुष्टिम आवाहन पुष्टि को धारण करते हैं निर्बलता मन की भी अप्रसता का कारण है अप्रशस्त हो जाता है तो इस वेद मंत्र का भाव इतना सुंदर है कि हमको समझना चाहिए यदा ये जो व्यक्ति अपने से बड़ों का सम्मान करता है अपने से बड़ों की आज्ञा मानता है तो अपने से बड़ों की जब संगति व्यक्ति करेगा तो बुराइयों से बचेगा और संसार में जो सबसे बड़ा है वो कौन है परमपिता परमेश्वर है हम भी उस परमात्मा के क्या हैं प्रतिनिधि हैं हम भी उसके छोटे से मॉडल हैं और माता पिता गुरु मातृ देवो भव पित्री देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव राष्ट्र देवो भव इन देवों का जो सम्मान करता है इनकी आज्ञा के अनुसार जीवन को जीता है वह कभी भी मानसिक और शारीरिक रोगों से पीड़ित नहीं होता है जब जब हम बड़ों की बात नहीं मानेंगे अब बड़ों का मतलब जान में भी बड़ा हो अब ऐसा नहीं कोई बड़े कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं आयु में तो बड़े हैं लेकिन बचपना उनके अंदर रहता है और वो अपने तो स्वयं भी बिगड़ रहे दूसरों को भी बिगाड़ देते हैं तो जो ज्ञान वृद्ध है जिनका जीवन शास्त्रोक्त है जो शास्त्रीय परंपरा के व्यक्ति हैं ऐसे लोगों का सदा सम्मान करना चाहिए उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन को जीना चाहिए बुराइयों से बचने के लिए शारीरिक उन्नति के लिए भी और आत्मिक उन्नति के लिए भी शरीर बल के लिए भी बल के लिए भी मनोबल के लिए भी हमको अपनों से बड़ों का कभी भी उनकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए उनके ही बताए गए मार्ग पर हमको चलना चाहिए ऋषि राम चरितम सत्यम महाजनो ये पंथा अभिवादन शील से नित्यम वृद्धो पसेविना चतरी तस्वर्धन ते आयुर्विद्या यशो बलम ये कितना बड़ा विज्ञान है आज का जो विघटन का समाज हम देख रहे हैं परिवार टूट रहे हैं दिलों में दरारें हैं दीवारें हैं अपने से अपने विरुद्ध हो गए हैं विरोध कर रहे हैं एक दूसरे का समाज टूट रहा है क्यों कारण यही है कि हमने अपने से बड़ों की सेवा करना छोड़ दिया अपने से बड़ों का सम्मान करना छोड़ दिया और जब बड़ों का सम्मान नहीं होगा उनके पास बैठेंगे नहीं तो हमको जान भी कभी भी नहीं मिलेगा कभी हमको उन्नति का जो रहस्य है वो नहीं मिलेगा और हम नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते छोटी छोटी अवस्था में भी कितने प्रकार के रोग आ जाते मानसिक रोग पहले संयुक्त तो परिवार होते थे पिता होते माता होते दादा दादी चाचा चाची दादा दादी नाना नानी ये सब आते जाते थे और एक संतान जन्म लेती सब उसको प्यार करते थे उसको शिक्षाएं देते थे उसको कहानी सुनाते थे और वो छोटी सी अवस्था में ही बहुत जानवान हो जाता था परिपक्व हो जाता था आज परिवार को चलाने वाला भी व्यक्ति नौकरी कर रहा है माँ भी पिता भी और बच्चे का कोई देख रेख करने वाला नहीं उसको संस्कार देने वाला कोई नहीं इसलिए भी अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियां विसंगतियां आ गई हैं संसार में इससे बचने का उपाय क्या है कि हम सदा देवों की संगति में रहें देवा नाम सुमतौ स्याम ये मंत्र पाठ करते हैं सुबह 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 प्रभात में हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर आज का यह दिन मेरा देवों की संगति में बीते देवा नाम सुमत श्यामा उनकी सुमति उनकी संगति सदा मुझको मिलती रहे इसलिए यहाँ जो प्रार्थना की है कि हम दंशना भी हम उनकी चर्या में हम जो है बड़ों के अनुकरण में रहें उनका सम्मान करें और उससे हमारी चार चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं आयु विद्या यश बल ये अपने आप बढ़ जाते हैं अभिवादन बहुत ही उत्तम है हमारा कुछ लगता नहीं बस अभिवादन किया ओम नमस्ते प्रणाम उनकी सेवा कर दी इसी से उनके पूरे जीवन भर का जो अनुभव हमको दे देते हैं उनका भाव हमारे लिए बहुत कल्याणकारी होता है तो हम ब्रह्म और क्षत्र अर्थात मन के आत्म के आत्म बलि हो, मनोबल हमारा पुष्ट होना चाहिए आत्मबल पुष्ट होना चाहिए और शरीर बल भी हमारा पुष्ट हो हम कमजोर ना हो बुज़दिल ना हो कायर ना हो इससे ही हमारे जीवन का सदा कल्याण होगा और कोई उपाय नहीं है निर्बल मन भी अप्रशस्त कारण होता है क्योंकि शरीर बहुत बलशाली है लेकिन मन दुर्बल है निर्बल है। तो दुर्बल व्यक्ति अगर मन उसका बहुत बलशाली मनोबल बड़ा है तो दुर्बल भी जंग जीत जाता है और पहलवान भी जंग हार जाता है क्यों क्योंकि उसका मन निर्बल हो गया मन लगता नहीं है मनोबल बढ़ता है उत्साह बढ़ता है स्वाध्याय से मनोबल बढ़ता है बड़ों की संगति से मनोबल बढ़ता है विवेक से वैराग्य से मनोबल बढ़ता है जीवन को भक्ति के साथ अध्यात्म साथ जीने से इसलिए कहा कि सुखस्य मूलम धर्म धर्म से मूलम अर्थ अर्थस्य मूलम राज्यम मूलम इंद्रिय जय इंद्रिय जय मूलम विनय विनय मूलम वृद्धों पर सेवा जब तक वृद्धों की सेवा नहीं करेंगे जो जान प्रवृद्ध हैं तब तक विनय नहीं मिलेगी तब तक इंद्रिय जय नहीं होगा इसलिए हम ऐसा बने तो आगे और चर्चा करेंगे अभी यहीं पर विराम देते हैं ओ शांति शांति शांति